बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है वो शकील जट, जो कि पाकिस्तान का बल्कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर था, और रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है वो फौत हो गए। तो आज जो है वो हम उनके गांव में हैं, और ये इनका यानी कि इंटरेस्ट है जहां से जो है वो गांव के अंदर हमने इंटर होना है। तो आज जो है वो हम मियाँ चनू से सफ़र करके इनके गाँव टोबा टेक संघ के अंदर जो है वो 320 जीम बे के अंदर जो हैं वो आज हम मौजूद हैं। तो आज हम इनके वालदैन के साथ जो है वो इजहार अफसोस भी करेंगे, दुआ भी मांगे इनके लिए कि अल्लाह ताला जो है वो उनके शकील भाई की मगफरत फरमाए, और इनके जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। आज हम इनकी जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर भी जाएँगे, और कब्रिस्तान के अंदर जो है वो उनके लिए दुआ करेंगे, और कब्र जो है वो वहाँ पर जो है हम थोड़ी देर खड़े होंगे, और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप दोस्त भी जो हैं वो उनके लिए दुआ कर लें। अगर आप किसी दूसरे इलाके से हैं या अभी तक जो है वो आप यहाँ पर नहीं पहुँच सके, तो हम जो है वो आज आपको मौका देंगे कि आप भी जो है वो इस दुआ के अंदर शरीक हो के शकील जट जो हैं इनके लिए आप जो है वो दुआ मांगें। तो ये देखें, हम सभी दोस्त जो हैं, सभी दोस्त आज जो है वो हम आए हुए हैं दोस्तों के साथ। ये देखें जी, आज हमारा पूरा जो पैनल है मियाँ चनू से जो है वो शकील भाई के लिए दुआ मांगने के लिए आया है। तो ये देखें, ये इनका जो है वो मेन इंटरेस्ट जहाँ से जो है वो आज अंदर जो है वो हमने इंटर होना है। तो हम जाएंगे अंदर, और अंदर का जो है वो भी आपको रिव्यू करवाएंगे। यही वो स्कूल है जिसके अंदर शकील जट का जो है वो जनाजा भी हुआ, और इसी स्कूल के अंदर जो है वो शकील जट खेलता भी रहा है। वो देखें, अब आज भी जो है वो मौसम तो ख़राब है, लेकिन बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। हमारे साथ वो भाई आए हैं जो कि हमें जो है वो इनके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो मज़ीद जो है वो हम आज आपको लेकर जाएंगे, उनकी कब्र पे भी लेकर जाएंगे, और जैसे जैसे जो है वो जहाँ जहाँ पर उसने जो है वो अपना वक्त गुजारा, सभी जगहों पर आपको लेकर जाएंगे। ये वो जगह है जी जहाँ पे जो है वो शकील जट का एक्सीडेंट हुआ था। वो सामने जो है वो आप एक जंप देख रहे हैं, इससे पहले जो है वो यहाँ पर जंप नहीं था। उसकी एक्सीडेंट के बाद जो है वो ये जंप बना दिया गया। ये भी इंतज़ामिया की जो है वो मेहरबानी है, ताकि कोई और माँ का जो लाल है उस वो जो है वो हमसे जुदा ना हो सके। ये देखें, इससे पहले जो है वो यहाँ पर जंप नहीं था। जो है उसके ऊपर जाएंगे, और आप दोस्तों से जो है वो गुजारिश है कि दोस्त जो हैं वो साथ साथ रहें, ताकि आप जो है वो दुआ के अंदर जो है वो शामिल हो सकें। तो वो देखो, वो देखें दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो एक गांव का जो है वो एक बंदा हमारे साथ है, जो है वो पाकिस्तान लेकर जाएगा, और खबर जो है वो हम दुआ भी मांगेंगे, और आप दोस्तों से भी जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो टाइम देंगे आप दोस्तों को, अगर आप दोस्त भी जो है वो उस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें और दुआ मांगना चाहें, तो आप जो है वो दुआ मांग सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो 320 जीम बा कब्रिस्तान के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूँ। ये देखें, ये कब्रिस्तान का जो है वो एक बोर्ड जो है वो भी नस्ब किया गया है। तो हम जा रहे हैं, वो सामने देखें वो जो है वो कब्र शकील भाई की है। तो आएं साथ, हम चलते हैं जी। दोस्तों से जो है वो कुछ टाइम जो है वो देंगे दोस्तों को, ताकि दोस्त जो हैं वो दुआ के अंदर शामिल हो सकें। जो दोस्त कहीं दूर इलाके से हैं और वो लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उनकी दुआ जो है वो नहीं मांग सके। ये देखें, पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, वो लगा दिया गया है। इससे जो है ये भी ज़ाहिर होता है कि ये मुहिब्बे वतन था पाकिस्तान के लिए, जो है वो इसने बड़ा अपना एक अच्छा वक्त गुजारा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। ये उसकी कब्र है जी। तो दोस्त जो हैं वो दुआ मांगें यहाँ पे इनकी मगफरत के लिए। तो दोस्त जो हैं वो, जो दोस्त दुआ मांगना चाहते हैं जी, वो दोस्त दुआ मांग लें। जो नहीं यहाँ पर पहुँच सके, अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला इनको जो है वो जन्नत फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके जो वालदैन हैं, इनकी जो मौत है इनके वालदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, इनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए,
कब्र के अंदर जो है वो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उनकी जो है वो दीदार अता फरमाए। क़यामत वाले दिन जो है वो इनको नेक लोगों के अंदर, नेक लोगों की जो लिस्ट है, नेक लोगों की जो बैठक होगी उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला का इनका शुमार अता फरमाए। तो सभी दोस्त जो हैं वो दुआ कर लें। मैं तकरीबन जो है वो एक मिनट का खामोशी इख्तियार करूँगा ताकि आप दोस्त की जो है वो इसके अंदर दुआ के अंदर जो है वो शामिल हो सके। शुक्रिया दोस्तों का, अल्लाह ताला इनकी मरहमत फरमाए और दोस्तों का भी जो है वो हमेशा जो है वो खुश रखे। तो ये देखें हमारा जो पूरा पैनल है मियां चन्नू से ख़ास कर जो है वो इनकी दुआ के लिए जो है वो शामिल हुआ है। तो दोस्तों से भी जो है वो गुजारिश है कि अगर कोई दोस्त जो है वो यहाँ पर आए तो सभी के लिए जो है वो दुआ मांग ले जी। ये देखें ये मुहिब वतन था, झंडा जो है वो लगा दिया। दोस्तों का साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश थी कि मुकम्मल जो है वो आपको जहाँ जहाँ से जो है वो स्की जट ने अपना वक़्त गुजारा, आखिरी जो उसकी आरामगाह थी वहाँ पे भी जो है वो आप दोस्तों को लेकर गए और आपने भी जो है वो उनके लिए जो है मदद की और हमने भी की। और हमारी कोशिश थी कि आप दोस्तों का जो साथ है वो हमारे साथ रहे, जो जो दोस्त हमारे साथ रहे उनका बहुत शुक्रिया। अब जो है वो हम अपना वापसी का जो सफ़र है वो शुरू करने लगे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। हम जो है वो अपने घर जो है वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान के साथ जो है वो पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप दोस्तों के साथ जो है वो किसी न किसी टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू करते रहें। तो एक नई वीडियो के साथ होंगे दोबारा। अगर मेरे सभी दोस्तों के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा, मुबशर भाई, रावतुद्दीन साहब और हमारे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं दोनों, राशिद भाई हैं जी, शाहद भाई हैं, वो आखिर में क्या है पैगाम है जी उनका, जो मर्जी कर लें लेकिन आपने जो है अब नहीं बनना। बहुत शुक्रिया सर साथ देने का।